हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास एक ऐसा शेयर जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जिसका टेक्निकल्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये शेयर 850 रुपये का है जिसने 5 साल में 1310% के रिटर्न दिए हैं, 2 साल में ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं 179% के। स्मॉल कैप कंपनी है, आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है, इंडस्ट्री है स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन इसके फंडामेंटल्स और इसका चार्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर हम शुरुआत में फंडामेंटल्स पर चलें, फंडामेंटल्स पर आप इसकी रिजल्ट्स के बारे में देखिए कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट्स जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये 9वें क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, अभी 10वां महीना चल रहा है, 31 अक्टूबर है आज, और ये 9वें क्वार्टर के मतलब लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत बढ़िया आए हैं। अगर मैं आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा, इस ये क्वार्टरली वाइज कितना नेट प्रॉफिट में बैठी है स्मॉल कैप कंपनी है, 34 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स दे रही है। अगर आप इसके एनुअल रिजल्ट्स भी देखें कि ये एनुअली किस तरह से काम कर रही है, अगर आप इसकी एनुअल सेल्स देखें, मतलब ईयर बाय ईयर सेल्स देखें, ईयर ऑन ईयर, ये देखिए फ्रेंड्स एकदम से इसके अंदर कितना मोमेंटम आ चुका है, कितना स्ट्रेंथ है इस शेयर के अंदर। यहाँ पर आप इसकी सेल्स को देखकर पता लगा ही सकते हैं, और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कमा रही है, 110 करोड़ का इसने इस ईयर में प्रॉफिट कमाया है। पिछले साल 87 करोड़ था और अब 110 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा, इस चार्ट इसका है एकदम बढ़िया, वो मैं कैसे कह रहा हूँ, ये देखिए सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये शेयर चल रहा है, सुपर ट्रेंड इसका एकदम बढ़िया है, डिलीवरी इसके अंदर हो रही है, डिलीवरी भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन के अंदर इसके अंदर डिलीवरी अच्छी खासी हो रही है, 805 का इसका वीवैप है, वीवैप मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर बाय करने आते हैं 805 पे, 805 के आसपास, ऐसा ही हमें बता रहा है कि ये शेयर स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, और RS मार्केट मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में जो जितना निफ्टी रिटर्न दे रही है उससे कितना ज़्यादा रिटर्न ये दे रहा है, मतलब ये भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। निफ्टी के कंपैरिजन में ये शेयर स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम इसके अंदर है पड़ा। और अगर मैं इसका एडवांस चार्ट में दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका एडवांस चार्ट खोल दिया है, यहाँ पर मैंने गाइस इसका डेली चार्ट लगा रखा है, इस साइड ये डेली चार्ट है जो कि ऑल टाइम हाई पर रोक चल रहा है, गुड लक इंडिया इस कंपनी का नाम है। और यहाँ पर मैंने 2 आवरली चार्ट लगा दिया है, यहाँ पर इसका चार्ट क्या बोल रहा है ये देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी इसने ब्रेकआउट किया है, 830 का इसका ब्रेकआउट था जो कि इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है, अब ये नए ऑल टाइम हाई बनाएगा, नई हाई बनाने जा रहा है, 830 पर इसका ब्रेकआउट है, 810 से लेके 830 के बीच में इसके अंदर बायर्स आते हैं, मतलब जो खरीदने वाले लोग हैं, खरीदार हैं इस शेयर को, 810 से लेके 830 के बीच में आते हैं। अभी यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, निफ्टी के कंपैरिजन में ये शेयर काफ़ी टाइम से ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे रहा है काफ़ी टाइम से। अगर मैं डेली यहाँ पर इसका 2 आवरली चार्ट खोलूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर ये रिट्रेसमेंट ले तो सबसे अच्छी बाइंग आपकी जब बनेगी वो 830 से लेके 810 के बीच में, मतलब 810 लेके 830 के बीच में आप कभी भी इस शेयर को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने रिसर्च करके लीजिएगा, यहाँ पर आपको डिस्क्लाइमर भी दिख रहा होगा। और साथ में RSI जो हमें बोल रहा है 70 का इसका RSI है, मतलब काफ़ी टाइम से ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में भी, और ये खुद के कंपैरिजन में भी काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ आ रही है, इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छा बन रहा है। फंडामेंटल्स में जाकर इसकी वेबसाइट खोलूँ, ये वेबसाइट के हिसाब से किस तरह की वेबसाइट है और क्या काम करती है कंपनी, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इनकी इंडस्ट्रीज हैं कई सारी, गुड लक इंडिया लिमिटेड, इंफ्रा इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, इस कंपनी के काफ़ी सारे अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज बना रखी है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, आप इसकी वेबसाइट को खुद जाकर देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। मैं अब ये शॉर्ट में बताऊं तो इसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तोशिबा,
टाटा मोटर्स जैसे कि पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने देख ही लिया है, और अगर ग्लोबल क्लाइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर इसके ग्लोबल क्लाइंट्स देखिए, रेनोल्ट, स्कोडा, वोल्क्सवैगन, टोयोटा और BMW, ओडी, कैटरपिलर, मर्सिडीज, कॉन्टिनेंटल, रेंज रोवर, टेस्ला, मतलब टेस्ला जैसी कंपनी भी इसकी क्लाइंट है, ये टेस्ला जैसी कंपनी को भी सर्विस करते हैं। और अगर हम बढ़िया बढ़िया चीज़ों में बोलें जैसे ओडी, BMW, मर्सिडीज, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं पड़े, आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये कंपनी करती क्या है, अगर मैं इसकी वर्टिकल्स में जाऊँ, जैसे यहाँ पर इसने दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है, इस कंपनी की छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचेज हैं पड़ी, जैसे कि ये कोल्स एंड शीट्स में काम करते हैं, मतलब जैसे ये जो पत्रे हैं ये वाले इस टाइप के, ये बनाते हैं। दूसरा, ये पाइप्स और ट्यूब्स बनाते हैं जो कि गैस और ऑयल इंडस्ट्रीज में काम आती हैं। रोड सेफ्टी रिलेटेड क्या काम करते हैं हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये जो साइड में बैरिकेड्स होते हैं ये वो काम भी करते हैं। अगर मैं वापस इसकी मेन वेबसाइट पर जाऊँ, इंफ्रा एंड एनर्जी, यहाँ पर ये देखिए इंफ्रा एंड एनर्जी के अंदर ये ब्रिजेस टाइप के बनाते हैं, और ये देखिए रेलवेज एंड रोड ब्रिजेस और अप्रूवल्स यहाँ पर देख सकते हैं किन किन से इनको मिला हुआ है, जियो, NTPC, बेल, एलएन में यहाँ पर आऊँ, जैसे कि फोर्जिंग्स के अंदर जाऊँ, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसा काम कर रही है। ऑटोमोबाइल में ये जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं ना गाइज, जैसे कि ये ट्यूब शीट्स होगी और ये जो कार की बॉडी हो गई, मतलब जिसे कार चलती है, मेन जो आपकी व्हील्स घूमते हैं और वो सारा जो उसके पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, वो ये कंपनी बनाती है। ये फोर्जिंग्स के अंदर आ गई। अगर मैं इसकी पाइप्स वगैरह की इंडस्ट्रीज़ में जाऊं, ये पाइप्स एंड ट्यूब्स, जो गैस की पाइप्स होती हैं ये वो भी बनाती है। वाटर एंड गैस ट्रांसमिशन, जो पानी के अंदर पाइपें डलती हैं गैस और पानी की, वो सारी चीज़ें, मतलब अगर फंडामेंटली वाइज देखा जाए ये कंपनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। रिज़ल्ट ये वहाँ पर आप देख सकते हैं, एनुअल रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट। और अगर वेबसाइट के थ्रू देखा जाए कि कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो जी हाँ, ये कंपनी काम भी कर रही है, अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक ऑपरेटर भी घुसा हुआ है जिसका नाम है सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड LLP, जिसने 200,000 शेयर 4 अक्टूबर को बाय कर रखे हैं 617 रुपये पर। मतलब एक बड़ा आदमी या फिर कई बड़े आदमी इसके अंदर घुसे हुए हैं 617 रुपये पर। अभी 850 रुपये ये शेयर चल रहे हैं, 200,000 शेयर इन्होंने पहले ही बाय कर रखा है। लेकिन अच्छी बात है, ये जो ऑपरेटर है इसके अंदर अच्छा ऑपरेटर है, इसने कोई भी शेयर को बेचा नहीं है अभी तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल्ड करता है अपने शेयर्स को, ये शेयर काफ़ी अच्छा है, टेक्निकली वाइज स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अभी मार्केट भी ओपन होने वाली है, तो जी हाँ, मैं भी इस शेयर को लेने वाला हूँ और साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, यूट्यूब पर आप हमारा चैनल देख सकते हैं, भरत ग्रोवर नाम से है। ये देखिए, ये हमारा चैनल है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।